था झूठ। अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर पार्ट 4। क्या हमारा जन्म मृत्यु तय होता है? फिर गर्भपात कैसे संभव है? मेडिकल ट्रीटमेंट से बचने कैसे संभव है? राहु केतु ग्रह होते हैं, कहाँ है? कुंडली के 9 ग्रहों में से 4 ग्रह है ही नहीं, फिर भी कुंडली सच है। इन सवालों का जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। मित्रों, हम जानते हैं ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर है 1 फरवरी से शुरू हुआ। 1 फरवरी को हमने देखा कि अंधविश्वास कैसे निर्माण हुए। पार्ट 2 हमने 2 फरवरी को देखा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति शुरू क्यों की, उसका परिचय आपसे हुआ। संगठन की भूमिका, श्रद्धा अंधश्रद्धा में क्या भेद है। और कल हमने देखा पार्ट 3 बुआबाजी बाबागिरी क्या है, सही में गौड़ में दैवी पुरुष होते हैं क्या, बाबा लोग स्त्रियों को कैसे ठग पाते हैं, चमत्कार कैसे किए जाते हैं, कैसे होते हैं। ये विषय हमने 3 पार्ट्स में देखे, आज चौथा पार्ट हम देख रहे हैं। ये जो 28 फरवरी को अंधविश्वास उन्मूलन राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर में हो रहा है, उसकी पूर्व तैयारी है। अगले हफ्ते शनिवार रविवार आखिरी के 2 सेशंस हो गए। ये 6 सेशंस में हमारा वनडे शिविर जो होता है 9 घंटे का, वो पूरा हो जाएगा। अपेक्षा ये है कि आप ये सुने और ये सुनकर बड़े पैमाने पर ये 28 फरवरी को अंधविश्वास उन्मूलन राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है नागपुर में, उसमें आप शरीक होइए। इसके लिए आपको प्रवेश भी है 600 रुपया, आप डोनेशन भी साथ में दे सकते हो। उसके साथ में सुरेश भट्ट सभागृह में नागपुर में है, सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करना है। चाय नाश्ते की, दोपहर के खाने की, शाम के खाने की व्यवस्था वहीं पर है। और आप रात के गाड़ी से वापस आ सकते हो, सुबह के गाड़ी से वहाँ पहुँच सकते हो। अगर आपको आवश्यकता लगी वहाँ रुकने की तो उसके बारे में भी हमारे कार्यकर्ता आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संपर्क करना है 8380823067 इस नंबर पर। बाकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो मित्रों, ये जो 28 फरवरी को विज्ञान दिन है, उस दिन ये सम्मेलन है, उसमें हमें शरीक होना है। आओ अंधविश्वास छोड़ो, विज्ञानवादी बनो और भारत देश को बलवान बनाओ, ये इसकी थीम है। अभी हम विषय की शुरुआत करते हैं, क्या हमारा नसीब तय होता है? इसके पहले मैंने जो कल कहा था कि एक चमत्कार मैं कल करके बताऊंगा, हम चमत्कार के प्रकार देख रहे थे। 3 प्रकार के चमत्कार होते हैं, हमने देखा है। पहला प्रकार जो हम सभी जानते हैं, हाथ चलाखी, हाथ की सफाई। मैंने कल आपको बताया हाथ की सफाई किस ढंग से की जाती है। फिर दूसरा, केमिकल्स का प्रयोग कर कर चमत्कार किए जाते हैं। कल हमने देखा कि यज्ञ कैसे जलाया जाता है, वो भी हमने देखा है। अभी ये तीसरा चमत्कार है। ये दोनों 2 अगरबत्तियां है, सीध में है, ये पुणे में ही घटित हुआ चमत्कार है। मेरा पुणे में अंधश्रद्धा निर्मूलन इस विषय पर व्याख्यान हुआ। उस व्याख्यान की अध्यक्षा पुणे शहर के गैनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। उन्होंने खाने के लिए घर पर बुलाया। फिर खाने के समय में हमारी कुछ गपशप शुरू हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपका इस विषय का अभ्यास और अध्ययन भी बहुत अच्छा है, बात भी बहुत अच्छे ढंग से रखते हो, लेकिन मुझे एक बात का दुख हो रहा है कि आपको अभी तक कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं मिला है। मैंने कहा कि ऐसे कोई सिद्ध पुरुष तो होते नहीं। डॉक्टर साहिबा मुझसे बोले कि यही तो मैं कह रही हूं आपसे कि आपको अभी तक कोई सही माने में जो सच्चा सिद्ध पुरुष होता है वो मिला नहीं। मैंने कहा कि क्या आपने किसी सिद्ध पुरुष से आप मिली हो? बोले हाँ, मेरे ही गुरु है, बचपन से मैं उन्हें जानती हूं, हमारे मार्गदर्शक है। हालांकि मैं गणित में अच्छी थी, इंजीनियरिंग में जाना चाहती थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा कि स्त्रियों के लिए सेवा भाव अच्छा होता है, इसलिए डॉक्टर बनो, इसलिए मैं डॉक्टर बन गई। बोले गुरुजी ने ऐसा क्या किया कि जिस कारण आपको ऐसा लग रहा है कि उनके पास में कोई सिद्धि होती है? बोले वो सिद्ध पुरुष तो है ही, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, सभी प्रकार के चमत्कार भी कर सकते हैं। अभी देखिए ना, मैंने अपना नया हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार किया, साथ में मेरा बंगला भी रिनोवेट हुआ था, और ऑपरेशन कई सालों से मैं कर रही हूँ। लगातार कुछ ऑपरेशंस में गड़बड़ी हो गई, 2-3 बार ऐसा हुआ, मैं बहुत अस्वस्थ हो गई। गुरुजी को बुलावा भेजा, गुरुजी आए, ध्यान लगाया और वो कहने लगे कि तुमने जो बंगले में देवी माँ की मूर्त रखी है, वो देवी माँ की मूर्त की दिशा गलत है, इस कारण ये सब गड़बड़ी हो रही है। तो मैंने पूछा क्या देवी माँ की मूर्त उन्होंने फिर घुमा दी ऐसे? नहीं, बोले ऐसा नहीं, उन्होंने एक चमत्कार किया, घर से ही उन्होंने 2 अगरबत्तियां मंगाई, अभी ये 2 अगरबत्तियां यहां पर आई है। उसके बाद में उन्होंने वो अगरबत्तियां, उसके साथ में चावल बुलाए, चावल एक कप में रखे, अगरबत्तियां कप में रखी, इस ढंग से जैसी रखी है वैसे। फिर बाद में उन्होंने अगरबत्तियां जलाई और पूजा अर्चा की। अभी पहले हम अगरबत्ती जलाएंगे और बाद में देखेंगे अब ये अगरबत्ती, दोनों अगरबत्तियां जल गई है। ये दोनों अगरबत्तियां जलने के बाद में उन्होंने पूजा अर्चा की, मंत्र बोले, और पहले ही उन्होंने कहा था कि जो ऊपर की अगरबत्ती है उस पर देवी आरूढ़ होगी और देवी माँ कहेगी कि उनके मूर्ति की दिशा किस दिशा में रखनी है। अभी ये दोनों अगरबत्तियां एक ही दिशा में देख रही है। मैंने बहुत पूछने के बाद में उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जो पूजा का दूध था वो दूध कप में डाला था, अब मैं कप में दूध के बजाय पानी डाल रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि एक अगरबत्ती घूम रही है, दूसरी अगरबत्ती अपनी वैसे ही जगह पर है। अब ये कैसे हो रहा है ये भी हम देखेंगे। एक अगरबत्ती एक ही जगह पर है और दूसरी अगरबत्ती घूम रही है। अब ये चमत्कार उन्होंने मुझे सुनाया, तब इस चमत्कार के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, ना ऐसे चमत्कार के बारे में मैंने पहले सुना था। काम शुरू कर अभी मुझे 3-4 साल ही हुए थे, लेकिन चमत्कारों के बारे में, कई चमत्कार मैंने ढूंढने के कारण और एक्सपोज करने के कारण मैं इतना तो जानता था कि इस दुनिया में कोई चमत्कार होता नहीं। अब विज्ञान का स्नातक रहा हूं, विद्यार्थी रहा हूं, इंटर साइंस तक ही पढ़ा हूं, लेकिन बेसिक्स तो जानता हूं। अभी आप देखेंगे कि अगरबत्ती करीबन 90 डिग्री के ऊपर घूम गई है। एक अगरबत्ती सीधी इसी दिशा में है, थोड़ी टेढ़ी रखी ताकि आपको दिखे, और दूसरी करीबन अभी मेरी ओर देख रही है, इतनी घूम चुकी है। तो एक कॉमन सेंस है कि जब परिस्थिति समान होती है तो रिजल्ट समान होते हैं, विज्ञान का नियम है। सभी परिस्थिति समान है, चावल है, अगरबत्ती है, जो चीजें डाली गई वो दोनों अगरबत्तियों में डाली गई। इसके बावजूद एक अगरबत्ती घूमती है और दूसरी अगरबत्ती घूमती नहीं है, इसी का मतलब जो भी गड़बड़ी है वो अगरबत्ती में होनी चाहिए। इतना कॉमन सेंस तो मुझ में था। और फिर मुझे अनायासा अचानक से मेरे बचपन की याद आ गई। मेरे बचपन में जो चरवाहा लड़के होते थे वो सूखने वाली घास पर पेशाब करते थे और उसमें से एक आधी घास, बड़ी लंबी घास, थोड़ी मुड़ी हुई, ऐसी घूम जाती थी। तो मैंने मेरे चरवाहा को सवाल पूछा था कि ये घास क्यों घूमती है। तब उसने मुझे जो जवाब दिया था उसके आधार पर मुझे लगा कि ये उदबत्ती में, यानी ये अगरबत्ती में कोई तो भी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है ये हमने ढूंढनी है। फिर मैंने प्रयोग करके देखा और मेरी अगरबत्ती बाबा की अगरबत्ती जितनी घूमी उससे भी ज्यादा घूमी। अभी ये 180 डिग्री यहां खत्म होती है, उसके बावजूद यहां तक ये अगरबत्ती घूमी है, करीबन 270 डिग्री तक पहुंची है और भी शायद वो घूमते रहेगी, चक्कर काटते रहेगी। अभी एक अगरबत्ती अपनी जगह पर कायम रहती है और दूसरी अगरबत्ती घूमती है तो लोगों को अचरज लगना स्वाभाविक है। यह मंत्र शक्ति से देवी ऊपर की अगरबत्ती पर आरूढ़ हुई थी और इसलिए अगरबत्ती घूमी, इस बात को मानना भी लोगों के लिए संभव है। जब मेरी अगरबत्ती घूमी तो घर के सब लोग दंग रह गए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। ये कोई अनपढ़ फैमिली नहीं थी। डॉक्टर साहिबा के पति खुद पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर थे, कंपनी में बड़े अधिकारी थे। उसी के साथ में उनके घर में जो सास थी और ससुर थे दोनों विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएट थे और स्कूल में हेडमास्टर भी थे। इतने पढ़े लिखे घर में इस ढंग का चमत्कार होता है, ये सबके लिए बहुत अचरज की बात थी। जब उनके ध्यान में आया कि एक मामूली चीज के द्वारा हमें ठगा गया तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, अंदर से पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे कि हम इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद एक बाबा आता है जिसको हम गुरु मानते हैं और वो इस ढंग से हमको ठग जाता है। पूरे ये चारों मेंबर्स घर के विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएट से, एक डॉक्टरी के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट है, दूसरा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट है, सास ससुर दोनों विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएट है। इसके बावजूद एक व्यक्ति आता है और उन्हें ठग क्यों जाता है? क्योंकि बचपन से हम पर संस्कार होता है कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म और धर्म शुरू होता है। इसलिए विज्ञान के क्षेत्र के नियम धर्म को और खास कर आध्यात्मिक क्षेत्र को लागू नहीं होते और इसलिए हम उसके बारे में उस ढंग से सोचते ही नहीं कि इसके पीछे का कारण क्या होना चाहिए। चमत्कार है ये मानकर उस पर भरोसा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे देश में यह सबसे बड़ा गड्ढा है। कोई भी विज्ञान का नियम ये यूनिवर्सल होता है, हर चीज को लागू होता है, हर इंसान को लागू होता है, नेचर के हर हिस्से को लागू होता है, वो आध्यात्म को भी लागू होता है और धर्म को भी लागू होता है। आध्यात्म और धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं, मैं खुद सिखाता हूँ, मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में सिखाता हूँ। लेकिन मित्रों, मैं पूरी तरह से आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई अध्यात्म नाम की चीज नहीं है कि जिसको विज्ञान के नियम लागू नहीं होते हैं। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें जो भी घटित होता है उसको भी विज्ञान के नियम 100% लागू होते हैं। ये हमने हमेशा याद रखना है। अब ये चमत्कार कैसे किया गया था? ये जो अगरबत्ती है अभी काफी घूम गई है, ये अगरबत्ती है, इसके पीछे का जो स्टेम होता है ये स्टेम को थोड़ा मोड़ दो, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, इस ढंग से इसको मोड़ दो। ये स्टेम मोड़ने के बाद में उसमें कुछ मोड़ बाकी रहती है और कुछ खुल जाती है। जैसे ही इस पर पानी पड़ता है तो ये पानी स्टेम के अंदर घुसता है, स्टेम फूल जाती है और इस कारण जो भी मोड़ तैयार हुई है वो मोड़ छूट जाती है और इसलिए अगरबत्ती घूमती है। इतनी आसान बात है, आप घर में ये चमत्कार कर कर देख सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, किस ढंग से लोग ठगे जाते हैं इसके बारे में उनमें जागरूकता निर्माण कर सकते हो, लेकिन इसका उपयोग लोगों को ठगने के लिए कृपया आप नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो मित्रों, इस ढंग से ये चमत्कार के कुछ बाकी भी प्रकार जो होते हैं कि एक सामान्य विज्ञान का नियम है, हर व्यक्ति जानता है कि जब लकड़ी फूलती है तो लकड़ी सीधी होती है, थोड़ी टेढ़ी अगर लकड़ी रहेगी तो वो भी, अगर मुड़ी हुई लकड़ी रहेगी तो वो भी सीधी होती है, ये हम जानते हैं। और उसी के आधार बच्चे भी छोटा गेम खेलते हैं, माचिस की तिल्लियाँ उसको थोड़ी मोड़ते हैं, नीचे रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वो माचिस की तिल्लियाँ सीधी होती हुई देखते हैं। तो ये सामान्य एक नियम है, उसका उपयोग यहाँ पर किया गया और उसके आधार पर ये पूरा का पूरा चमत्कार का ढकोसला खड़ा किया गया है। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस दुनिया में किसी में भी सिद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, किसी को भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ये केवल अंधविश्वास है। चमत्कार करने वाले सारे के सारे ठग होते हैं, उसमें कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति नहीं होता है। तो मित्रों, अभी हम विषय पर आएंगे, क्या हमारा नसीब तय होता है? क्या हमारा नसीब तय होता है? यह विषय शुरुआत में क्यों ले रहा हूं मैं? हम में से मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, वे ऐसा मानते हैं कि हमारे पत्रिका के माध्यम से, होरोस्कोप के माध्यम से या और भी किसी माध्यम से हमारा भूत भविष्य वर्तमान ज्योतिषी ठीक ढंग से बताते हैं। यह अभ्यास का विषय है। ज्योतिष एक शास्त्र है। यह ज्योतिष शास्त्र किस बात पर खड़ा है? यह पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र एक बात पर खड़ा है कि आपका और मेरा जीवन पहले से तय है, ग्रह गोलों की गति तय है, उसी ढंग से हमारा जीवन भी तय है, हमारा जन्म तय है, मृत्यु तय है, और उसके आधार पर ये जो भविष्यवेत्ता होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, वे हमारा जो भी भविष्य तय है उसको पहचानते हैं अभ्यास के आधार पर और हमें बताते हैं। यानी हमारा नसीब पहले से तय होता है, लिखा होता है। क्या सही में होता है? वहीं से शुरुआत करेंगे। यानी जो पूरे ज्योतिष शास्त्र का बेस है, उस बेस को ही हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। अब बचपन से हम पर संस्कार हुए हैं कि हम मानते हैं कि हमारा नसीब तय होता है। किसने लिखा है? अब अलग अलग कल्पनाएं हैं कि सटवी लिखती है, मराठी में ऐसी कहावत है कि सटवी आकर लिखती है आपका भविष्य। कभी कभी हम सुनते हैं कि ब्रह्मदेव ने हमारा भविष्य लिखा है, चित्रगुप्त हमारे भविष्य का हिसाब करता है। हमने ये भी सुना रहता है कि गए जन्म में हमने पाप पुण्य किए, उसके आखिरी में जो जमा खर्चा होता है उसको कहते हैं संचित। ये संचित लेकर इंसान अगले जन्म में जन्म लेता है, वो उसका प्रारब्ध बन जाता है, उसका नसीब बन जाता है, और पहले से नसीब तय होता है। अभी किसी भी चीज को अगर जांचना है तर्क के आधार पर, तो हम ये मानकर चलेंगे कि चलो हमारा नसीब तय है। ये जो हमारा नसीब तय है, तो किसने किया नसीब तय? तो एक विश्व नियंत्रक है जो पूरे सृष्टि को नियंत्रित करता है, ऐसे विश्व नियंत्रक ने हमारा नसीब तय किया, ऐसा मानकर चलते हैं। किसका नसीब तय किया? केवल पुरुषों का क्या? नहीं, ऐसा कैसा, स्त्रियों का भी किया। केवल भारतवर्ष स्त्री पुरुष का क्या? नहीं, ऐसा कैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में अगर भारत की लड़ाई हो जाती है तो फिर भारत के पुरुषों के, स्त्रियों के भविष्य पर तो परिणाम होगा। चाइना में कोरोना वायरस आता है और वो भारत में घुस गया तो भारत के लोगों पर भी उसका असर होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि केवल भारत के स्त्री पुरुषों का नहीं, दुनिया के हर देश का, पृथ्वी पर जितने इंसान हैं अभी जनगणना अनुसार 758.5 करोड़ पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जनसंख्या है ऐसा माना जाता है। 758 करोड़, सॉरी। तो ये 758 करोड़ लोगों का भविष्य लिखा है ये विश्व नियंता ने। यह विश्व नियंता ने केवल इसका नियंत्रण इंसानों पर है क्या? नहीं, जानवरों पर भी होना चाहिए। कई बार जानवर इंसानों को निगल जाते हैं, खा जाते हैं, तो फिर जानवरों पर भी होना चाहिए। केवल जानवरों पर होना चाहिए क्या? पृथ्वी के पूरी हलचल पर होना चाहिए? नहीं, पूरी हलचल पर होना चाहिए। भूकंप आ जाते हैं, सुनामी आ जाती है, कई लोग मर जाते हैं। तो इसका मतलब विश्व नियंत्रण का नियंत्रण पूरे पृथ्वी पर होना चाहिए। ये पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो क्या केवल पृथ्वी पर नियंत्रण रहेगा तो चलेगा? ऐसा कैसा चलेगा? सूरज अगर अपनी जगह से हट गया तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा? यानी ये ईश्वर का या फिर विश्व नियंत्रण जो है उनका नियंत्रण सारे सूर्यमंडल पर भी होना चाहिए, सूरज पर भी होना चाहिए और सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले सारे ग्रहों पर भी होना चाहिए। गुरु जैसा ताकतवर ग्रह अगर अपनी जगह छोड़कर पृथ्वी पर नजदीक आ गया तो पृथ्वी तो अपनी जगह पर रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए पूरा का पूरा नियंत्रण ग्रहमाला पर होना चाहिए। ये जो सूरज की ग्रहमाला है ये किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी पर भी विश्व नियंत्रक का नियंत्रण होना चाहिए। ये गैलेक्सी एक ही है कि अनेक गैलेक्सी है? नहीं जी, अनेक गैलेक्सी है, अपनी अपनी जगह पर घूम रही है। तो इन सभी गैलेक्सीज पर भी विश्व नियंत्रक का नियंत्रण होना चाहिए। अभी थोड़ा शुरुआत करते हैं भारत के इंसानों पर विश्व नियंत्रक का नियंत्रण है, सारे पृथ्वी पर भी नियंत्रण है, सूर्यमाला पर भी नियंत्रण है। केवल सूर्यमाला पर नहीं, तो सूर्यमाला जिस आकाशगंगा में है उस मिल्की वे गैलेक्सी पर भी सूरज का, जिसको मंदाकिनी कहते हैं, उस पर भी सूरज का यानी विश्व नियंत्रक का नियंत्रण है। अभी ये जो आकाशगंगा है, मिल्की वे गैलेक्सी है, कितनी मिल्की वे गैलेक्सीज पूरे विश्व में है? अगर हम माने कि एक रेगिस्तान में एक छोटी सी बालू का एक कण, रेत का एक कण, ये रेत का एक कण यानी एक आकाशगंगा अगर मानते हैं तो उस रेगिस्तान में जितने रेत के कण हैं उतनी आकाशगंगाएं हैं, इतना तो आज हम जानते हैं। ये आकाशगंगाएं इतने विस्तार में हैं, उन सब पर ये विश्व नियंत्रक का नियंत्रण है। अब उल्टी दिशा में आएंगे, एक रेगिस्तान में जितने रेत के कण हैं उतनी आकाशगंगा है, उसमें से एक छोटी सी आकाशगंगा है मिल्की वे गैलेक्सी जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं, उस पर भी विश्व नियंत्रक का नियंत्रण है। ये छोटी सी एक रेत के कण समान जो आकाशगंगा है उसमें बड़े बड़े सूरज है, हमारे सूरज से भी बड़े बड़े सूरज है, बड़े बड़े तारे हैं, स्टार्स है, और इन सभी स्टार्स पर इस विश्व नियंत्रक का नियंत्रण है। कितने स्टार्स हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में? एक समुद्र में जितनी पानी की बूंदे हो सकती है उतनी पानी की बूंदे, एक बूंद यानी एक सूरज, इतने बड़े पैमाने पर तारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है। यानी एक रेत समान जो मिल्की वे गैलेक्सी है, रेत के बूंद समान या रेत के कण समान एक मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें पूरा का पूरा समुंदर समझ लीजिए, उसमें से एक बूंद पानी इतना छोटा सा हमारा सूरज है, उस पर भी विश्व नियंत्रक का नियंत्रण है। ये सूरज के इर्द गिर्द 9 ग्रह घूम रहे हैं, उनमें गुरु जैसा बहुत बड़ा ग्रह है, शनि जैसा भी बड़ा ग्रह है, लेकिन इतने बड़े ग्रहों में से एक छोटा सा पृथ्वी जैसा ग्रह है, छोटा सा, उस छोटे से पृथ्वी ग्रह पर भी उसका बारीक नियंत्रण है। इस छोटे से पृथ्वी में अनेक देश है, उसमें एक एशिया नाम का एक द्वीप है, वहां पर एशिया में छोटा सा एक भारत नाम का देश है, इस भारत नाम के देश में एक छोटा सा महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में एक छोटा सा पुणे नाम का शहर है। पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ कई मोहल्ले, उसमें से एक छोटा सा मोहल्ला, उसमें एक छोटा सा घर, और इस छोटे से घर में गोविंदा नाम का एक लड़का रहता है। और इस गोविंदा की शादी करीना कपूर से होगी या नहीं होगी ये भी विश्व नियंता तय करता है। क्या यह संभव है? सोच कर देखिए। जो सृष्टि नियंता सारे विश्व को नियंत्रण करता है ऐसा हम मानते हैं, उसके ध्यान में तो भी होगा क्या पृथ्वी नाम का कोई ग्रह है? इतने बड़े अफाट विश्व में पृथ्वी निग्लिजिबल है, उसमें भारत उससे भी निग्लिजिबल है, उसमें महाराष्ट्र नाम का छोटा सा प्रांत, उसमें पुणे नाम का एक छोटा सा शहर, उसमें एक छोटा सा मोहल्ला, और इस मोहल्ले में एक घर, उस घर में रहने वाला एक गोविंदा, और इस गोविंदा की शादी करीना कपूर से होगी या और किसी से होगी ये भी तय करता है ये विश्व नियंता। ये संभव है क्या? जरा सोच के देखिए। मान लीजिए कि अभी ये विश्व नियंता का कहीं ना कहीं तो रहना पड़ता होगा उनको, तो ये अभी रह रहे हैं एक आकाशगंगा में। वहां से अगर वो गोविंदा को आशीर्वाद भेजते हैं कि जा तुम्हारी शादी करीना कपूर से हो जाएगी, तो ये आशीर्वाद पहुंचने के लिए भी साउंड के गति के अनुसार नहीं, प्रकाश के गति के अनुसार भी उनका आशीर्वाद पहुंचा तो भी करोड़ों साल लगेंगे। तब तक ना गोविंदा बचेगा ना करीना कपूर बचेगी, दोनों की हड्डियां भी नहीं बचेगी। इतना बड़ा विश्व, उसका नियंत्रण करने वाला कोई नियंत्रक है भी तो वो क्या हमारा नसीब ध्यान में रख सकता है, लिख सकता है, हमारे तरफ ध्यान दे सकता है, हमारा मृत्यु तय कर सकता है, हमारा जन्म तय कर सकता है? क्या यह संभव है? जरा सोच पर देखिए। अगर हम एक बार मानते हैं, सही बात है, हमारा अगर नसीब तय करने वाला विश्व नियंता है, तो सीधी बात है कि जब 10 लाख साल पहले, 19 लाख साल पहले होमो सेपियंस कर हम इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे, तब ना हमारे पास हाथी जैसा बल था, ना हमारे पास शेर जैसे ताकतवान पंजे थे, ना पहनने के लिए कपड़े थे। कुछ लोग ठंड में पैदा हुए, कुछ लोग गर्मी में पैदा हुए। कम से कम अगर हमारा नसीब इस विश्व नियंता ने तय किया होता तो जन्म के समय हमारे साथ में एक डबल बैरल की बंदूक साथ में दे देते और ऐसे कपड़े देते थे कि जो ठंड से और सभी चीजों से हमारी सुरक्षा कर सके। कम से कम इतना तो करते। ना ठंड से सुरक्षा करने वाले कपड़े हमारे साथ आए, वो हमें हमारे दिमाग से खोज कर निकालने पड़े। ना डबल बैरल की बंदूक हमारे साथ आई ताकि हम सुरक्षा कर सके अलग जानवरों से, वो हमें हमारे दिमाग का उपयोग कर निर्माण करनी पड़ी। तो मित्रों ये समझ लीजिए कि विश्व नियंता ने हमारा नसीब नहीं तय किया है। जिस किसी को लगता है कि हमारा नसीब विश्व नियंता ने तय किया है और नसीब में जैसा होता है वैसे ही होता है, ये सब बातें मैंने बताने के बाद भी जिस किसी को लगता है उसने हाथ ऊपर करना चाहिए। मैं हर भाषण में आह्वान करता था और फिर कहता था कि जो भी हाथ ऊपर करेगा मैं उसके पास आऊंगा, एक जोरदार थप्पड़ उसको रसीद कर दूंगा और फिर कहूंगा तुम्हारे नसीब में थी तुमने थप्पड़ खाई, मेरे नसीब में थी मैंने थप्पड़ मारी। चलेगा? हम में से किसी को भी नहीं चलेगा। हम में से सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, अगर मैंने किसी को थप्पड़ रसीद कर दी तो बोलेंगे मानव साहब ये थप्पड़ नसीब के अनुसार नहीं, आपने तय कर कर मारी है, यानी मेरे दिमाग ने, मैंने निर्णय लिया है थप्पड़ मारने का। आइदर ये मेरा कृत्य वॉलेंटरी कृत्य है या फिर मैं पागल हो गया हूं इसलिए मेरे हाथ से ऐसा कृत्य हुआ है, ये नसीब के कारण तो नहीं हुआ है। क्यों भाई? नसीब में जो होता है वो उसी के अनुसार आपके और मेरे जीवन में हर बात घटती है, तो फिर ये थप्पड़ रसीद होने के बाद में नसीब क्यों नहीं? वहां मेरा वॉलेंटरी डिसीजन कैसे आ गया? सोच कर देखिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिन लोगों का नसीब पर सही में विश्वास है उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने सीधा घर जाना चाहिए, अपने सब कामकाज बंद करने चाहिए, खटिया पर सो जाना चाहिए। नसीब में होगा सो होगा, नसीब में होगा तो आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आपको डिग्री मिलेगी, आपको सोए सोए नौकरी मिलेगी, सोए सोए आपकी शादी हो जाएगी, आगे का सारा जीवन हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। नसीब फलने के लिए, नसीब ने साथ देने के लिए कर्तृत्व करना पड़ता है जिंदगी में। भाई कर्तृत्व किए बिना अगर तेरे आपके और मेरे जिंदगी में कुछ होता नहीं तो पहले से नसीब तय है, ये किस आधार पर हम मान रहे हैं। और नसीब के अनुसार अगर हर बात होती है तो हमको कर्तृत्व करने की और न करने की क्या जरूरत है। हमने कर्तृत्व किया और नहीं भी किया तो भी जैसा नसीब में वैसा ही होने वाला है। ये दोनों इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। अगर नसीब पहले से तय है तो आपके और मेरे जीवन में कर्तृत्व करने के लिए, कोई कर्तव्य करने के लिए, कोई चीज करने के लिए, कुछ करने से होने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर नसीब पहले से तय है तो कर्तृत्व के लिए आपके और मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर कर्तृत्व करने से आपके और मेरे जीवन में कुछ होता है तो पहले से नसीब तय है, ये हम मान सकते नहीं। दो में से कोई भी एक चीज हम मान सकते हैं, चाहे कर्तृत्व सच होगा चाहे नसीब सच होगा, लेकिन हम अलग अलग वाक्यों का उपयोग करते हैं। नहीं, नसीब सही सिद्ध होने के लिए कर्तृत्व के साथ चाहिए। ये टोटली इलॉजिकल सेंटेंस है, वाक्य है। ऐसे कई वाक्यों का हम हमारे जीवन में उपयोग करते हैं। तो मित्रों ये दोनों इंटर कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स है। एक तो आपके जीवन में कर्तृत्व के लिए स्थान होगा तो फिर नसीब पहले से तय हो नहीं सकता। अगर नसीब पहले से तय है तो कर्तृत्व के लिए कोई स्थान होने की गुंजाइश नहीं है। ये हमने सबसे पहले समझ लेना चाहिए। तो मित्रों मैं मेरे जीवन में सही मायने में जानता हूं कि किसी का भी सही 100% नसीब पर विश्वास नहीं होता है। अगर 100% सही विश्वास होता तो कोई व्यक्ति अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करता, कुछ करने की कोशिश नहीं करता, खटिया पर सो के रहता, नसीब में जैसा होता वैसे होता। लेकिन हम कोशिश करते हैं, इसका मतलब नसीब को हम 100% नहीं मानते। लेकिन जब हम कोई कर्तृत्व करते हैं, अपने नसीब में कोई कार्य करते हैं और उसका फल ठीक ढंग से नहीं मिलता है, तब हम फिर नसीब का बहाना बनाते हैं। क्या करेंगे, मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन मेरे नसीब में ही ऐसा है तो मैं क्या करूं। नसीब एक पतली गली से भागने का हमारा बहाना बन जाता है। ये हमें शकून भी देता है, सकून भी देता है, थोड़ी सुरक्षा भी देता है, हमें थोड़ा आश्वस्त करता है कि भाई मैंने तो कोशिश की लेकिन क्या करूं, मेरे नसीब में नहीं है तो नहीं होगा, जो नसीब में होगा वही होगा ना। हम बातों को समझते नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं हमेशा कि भाई हमने कितनी भी कोशिश की तो भी सब चीजें तो हमारे हाथ में नहीं होती है। बात बिल्कुल 100% सही है, सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है। समाज का हिस्सा होने के कारण समाज में जो कुछ होता है उसके परिणाम हम पर होते हैं, चाहे उसके लिए हम जिम्मेदार हो चाहे हम जिम्मेदार ना। कई लोगों के व्यवसाय डूब गए, बेचारों की कोई गलती नहीं। हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को एक दिन सपना पड़ा, सपना पड़ने के बाद में उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, सब छोटे मोटे उद्योग 12 के भाव में चले गए, कई लाखों लोग बेकार हो गए। अब उनकी तो कोई गलती नहीं थी। एक इंसान को एक सपना पड़ता है और उसके कारण कई लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ता है। ये होता है क्योंकि हम इस समाज का हिस्सा है। समाज का हिस्सा होने के कारण समाज के अच्छे परिणामों का भी फायदा हमें मिलता है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई अच्छा निर्णय लिया होता और देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से दौड़ने लगती तो उसका फायदा मिलता हमको। अब उसमें हमारे कर्तृत्व की बात तो इतनी बड़ी नहीं होती। अब ये प्रधानमंत्री ये बहुत बड़ा पद है, ऊंचा पद है, उसका पूरे देश पर परिणाम होता है, लेकिन छोटे मोटे कई लोग होते हैं उनके भी निर्णयों का परिणाम होता है आसपास के लोगों पर। तो हम समाज का हिस्सा है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। जब मैंने इंग्लिश MA लिटरेचर सेकंड ईयर पास करने के पहले पार्ट 1 पहले पास किया, फिर जेल में था इमरजेंसी में, जेल में से छूटने के बाद में फिर मैंने ज्वाइन किया सेकंड ईयर पास करने के लिए, और पास होने के पहले मैं एग्जाम दे चुका था। तभी कॉलेज के कुछ अध्यापक मेरे यहाँ आए और मुझसे कहने लगे कि आप हमारे कॉलेज में अध्यापक कर आइए। अब एग्जाम पास होने के पहले ही मुझे निमंत्रण मिल गया, आश्वासन मिल गया उस कॉलेज में प्राध्यापक बनने का। जैसे ही रिजल्ट आया मैं उस कॉलेज में ज्वाइन भी हो गया। अब यह अवसर मुझे क्यों मिला? ठीक है, मैं प्रसिद्ध व्यक्ति था, पत्रकार था, लोग मुझे बहुत जानते थे, इस कारण उनको लगता था कि ये व्यक्ति हमारे कॉलेज में आएगा तो कॉलेज को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन उस समय इंग्लिश लिटरेचर के प्राध्यापकों की संख्या कम थी, इतनी ज्यादा कंपटीशन आज जैसी थी नहीं, इसलिए इतनी आसानी से मुझे वो नौकरी मिली। आज अगर यूनिवर्सिटी में जो लड़का इंग्लिश लिटरेचर में MA कर गोल्ड मेडलिस्ट भी बनता है, फर्स्ट भी आता है, तो भी उसको सीनियर कॉलेज में अध्यापक ही मिलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज सैचुरेशन हो चुका है। तो इसका मतलब मेरा नसीब अच्छा था और उसका अभी नया लड़का जो पढ़ेगा उसका नसीब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हर चीज का समाज में अवसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये समाज की स्थिति पर डिपेंड होता है। इसलिए हमारे कर्तृत्व को कितना फल मिलेगा ये टोटल सामाजिक स्थिति पर, हमारे समाज की स्थिति पर, समाज की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर और बाकी सब चीजों पर डिपेंड होता है। केवल हमारे अकेले के कर्तृत्व के कारण कुछ चीजें होती नहीं है, ये हमने समझे। ये अगर हम ठीक ढंग से समझ पाए तो शायद ये जो हम पतली गली से नसीब को लेकर भागते हैं वो भागना हम रोक पाएंगे। यहां तक तो ये बात सच है कि केवल मेरे कर्तृत्व से कुछ होता नहीं, क्योंकि मैं समाज का हिस्सा हूं, समाज के अच्छे बुरे का परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। लेकिन ये हम समझ सकते हैं, ठीक ढंग से अगर अध्ययन किया तो इसके कारण भी हम समझ पाते हैं। तो यह नसीब मानने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नसीब नहीं मानना चाहिए? क्योंकि नसीब का फायदा हम भागने के लिए करते हैं, हम लड़ते नहीं हैं। इसलिए हमेशा एक उदाहरण दिया जाता है शिवाजी महाराज का, गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ प्राप्त किया लेकिन शेर चला गया। अभी तानाजी नाम का चित्रपट शुरू है, बहुत हिट हुआ है, बहुत सुंदर चित्रपट है, उसी की ये कहानी। अब इस पिक्चर में जो बताया गया वो तो नहीं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो बचपन से जो कहानियां हमको सुनाई गई है इतिहास के नाम पर, वो कहानी के साथ में मैं आपके सामने ये बात रखूंगा। तानाजी अपने बेटे की शादी करना चाहते थे और शिवाजी महाराज को यह गढ़ प्राप्त करना था, जिसको आगे चलकर सिंहगढ़ नाम पड़ गया। अब इस गढ़ को प्राप्त करना है तो उन्होंने ये बात पता चल गई तानाजी को। तानाजी ने जिम्मा लिया, उन्होंने कहा कि शादी पहले शादी कोंडा ने की, कोंडा ना ही उस गढ़ का नाम था, और बाद में बच्चे की शादी, और कोंडा ना लेने के लिए वो लड़ाई करने के लिए निकल पड़े। अब ये चढ़ने के लिए बहुत कठिन गढ़ था, रस्सियाँ डालकर ये लोग सब चढ़े ऊपर में, लड़ाई शुरू हुई। तानाजी और वहां का जो भी किलेदार था दोनों मारे गए, तानाजी पहले मारे गए। अब उस जमाने में जब सेनापति मारा जाता है तो ये माना जाता है कि लड़ाई खत्म हो गई, लड़ाई हार गए, और तब बाकी के सभी लोग ये दोरों पर से, यानी जो रस्सियां बंधी हुई थी जिसके आधार पर जिसको पकड़कर ये सब लोग अंदर आए थे, उसी रस्सियों से उतरने लग गए। तो तानाजी के भाई सूर्यभान, उन्होंने ये रस्सियां काट दी, और रस्सियां काटने के बाद में कहा कि आपको 2 पर्याय है। पहला पर्याय है सीधा अभी ये गढ़ पर से ऊंचाई पर से आप कूदो और मरो, और दूसरा पर्याय है लड़ते लड़ते मरो। लड़ते लड़ते मरोगे तो आप वीर गति प्राप्त होगे, आपका नाम होगा, आपके सभी आगे के वंशज आपका नाम बहुत अभिमान से लेंगे। और गढ़ पर से कूद कर मरोगे तो आप को कोई पूछेगा नहीं आपको क्या करना है, आप तय कीजिए। और उसके बाद में सभी मावड़ा लोग, सैनिक लोग जो भाग रहे थे वो लड़े और कोंडाना जीत गए। तो इंसान के जीवन में भी ऐसा ही होता है। इंसान क्या करता है, भागना चाहता है, नसीब के रस्सियों पर से वो हमेशा भागते रहता है। वो अपने सामने आने वाली समस्याओं के साथ में लड़ता नहीं है। जब ये रस्सियां ही काट दे नसीब की तो उसके लिए भागना संभव नहीं है। उसके सामने फिर दो पर्याय बचते हैं कि जो मेरे सामने समस्या है उसके साथ में मैं झगड़ू, उनको निपटू और उन पर विजय प्राप्त करूं, या फिर यहीं पर मैं मर जाऊं। मरने से बेहतर इंसान लड़ना प्रेफर करता है। मैक्सिमम इंसान लड़ते हैं और जीतते हैं। इसलिए अगर किसी भी राष्ट्र को विकास करना है तो उसको ये नसीब की, अंधविश्वास की रस्सियां काटनी पड़ती है। और यही काम हमारे सभी समाज पुरुषों ने किया है, चाहे ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, शाहू महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, सावरकर हो, प्रबोधनकार ठाकरे हो, चाहे विवेकानंद जी हो। विवेकानंद जी तो हमेशा नसीब पर बोलते थे। वे हमेशा कहते थे कि जिस देश का युवक नसीब पर विश्वास रखता है उस देश को कोई भवितव्य नहीं हो सकता है, उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ये नसीब की कल्पना से सबसे पहले हमने बाहर आना चाहिए। तो मित्रों, आपका और मेरा कोई भी नसीब तय नहीं होता है, इस सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर आपका और मेरा नसीब अगर पहले से तय है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जन्म तय है, आपका मृत्यु तय है, आपके जीवन की हर चीज तय है, आपकी शादी किससे होने वाली है ये तय है, अगर आपकी शादी निभने वाली है या फिर उसका डाइवोर्स होने वाला है ये भी तय है, आपको कितने बच्चे होने वाले हैं ये भी तय है। अगर ये सब बातें पहले से तय है तो ये गर्भपात कैसे संभव है, एबॉर्शन कैसे संभव है। एबॉर्शन का निर्णय तो हम लेते हैं, एबॉर्शन का निर्णय हम एग्जीक्यूट करते हैं। कानूनन उसके लिए परमिशन है, 3 माह के पहले हम एबॉर्शन कर सकते हैं, ज्यादा बच्चे हमें नहीं चाहिए। केवल यहां तक ये बात नहीं बची कि केवल पति पत्नी ही ये निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई कुंवारी लड़की है और गलती से वो गर्भवती रह गई तो उसको भी ये अधिकार है कि वो अपना गर्भपात करवा ले और उससे मुक्ति पा ले। तो ये गर्भपात कैसे संभव है। अगर हमारा जन्म पहले से तय है तो ये गर्भपात करने वाले, एबॉर्शन करने वाले, वो निर्णय लेने वाले हम कौन, और ये सरकार कौन। सरकार ने ये कैसे क्या निर्णय लिया, कैसा ये कानून बना। सेम बात है, जो ज्योतिषी आपको भविष्य बताते हैं, कभी आपने उनसे सवाल पूछा कि भाई आपके घर के लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं क्या। वो कहेंगे हाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई, आपको तो पता है मृत्यु तय होता है। अगर मृत्यु तय है तो उसको ट्रीटमेंट दी तो भी मरने वाला है, नहीं दी तो भी मरने वाला है। फिर इतने महंगे उपचार उसको देने की क्या आवश्यकता है। जिस ज्योतिषी जो व्यवसाय करता है, लोगों का भविष्य बताता है, उसके घर का एक भी व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो पहले से तय है, बीमारियां पहले से तय है, सब चीज पहले से तय है। फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या आवश्यकता है, डॉक्टर तो तय नहीं है। ये डॉक्टरी शिक्षा हमने शुरू की है, डॉक्टरी शिक्षा देकर हम डॉक्टर को तैयार करते हैं, आधुनिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं और लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं और उसमें हम काफी सफल हो जाते हैं। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमारी औसतन आयु क्या थी, 37 से 38 ईयर्स थी एवरेज आयुर्मान भारतीय लोगों का। आज हमारा एवरेज आयुर्मान है 69 के आसपास, यानी करीबन 30-31 साल से हमारी उम्र बढ़ गई है। इतनी उम्र हमारी कैसे बढ़ी? ये मेडिकल साइंस के कारण बढ़ी है। जबकि भारत जैसे गरीब देश में मेडिकल साइंस की सभी सुविधाएं सब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है, और एवरेज यानी गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति और अमीर से अमीर तबके के व्यक्ति, इनका एवरेज निकाला जाता है। फिर भी पूरे देश का एवरेज हमारा 30 साल से 31 साल से बढ़ गया है। तो फिर इसका क्या जवाब है? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। तो मित्रों, मैंने पहले शुरुआत में तो आपसे कह दिया कि इस दुनिया में कोई भी हमारा नसीब तय नहीं होता है। अगर नसीब तय है तो आपके और मेरे जीवन में करने लायक कुछ बचता नहीं है। अगर कर्तृत्व करने से हमारे जीवन में कुछ होता है तो पहले से नसीब तय नहीं हो सकता है। अगर पहले से नसीब तय किया है, अगर है ऐसा मानते हैं, तो फिर हमारे और आपके जीवन में करने लायक कुछ बचता नहीं है। ये दोनों इंटर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। अब मित्रों, हम देखेंगे फल ज्योतिष कितना सच है कितना झूठ है। जो सारा का सारा भविष्य आपका नसीब पहले से तय है, इसके ऊपर खड़ा है। पहले से हमारा नसीब तय है, इसीलिए तो किसी आधार पर ये ज्योतिषी हमको कह पाते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ये फल ज्योतिष, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, इसका इतिहास लंबा है, कम से कम 5000 सालों का है। अलग अलग ढंग के ग्रंथ रहे हैं। टेट्रा बिब्लियस नाम का एक ग्रीक क्लोडेमस प्लोटेमस ने लिखा हुआ ग्रंथ, जिसके आधार पर पश्चिम की दिशा में ये ज्योतिष बड़े पैमाने पर फैला। यूरोप में फैला, ग्रीस में फैला, सीरिया में फैला, बेबीलोन में फैला, बड़े पैमाने पर फैला। भारत में सबसे बड़ा ग्रंथ इस क्षेत्र का माना जाता है होराशास्त्र। होराशास्त्र का लेखक कौन है पता नहीं, क्योंकि भारत के काफी ग्रंथ अपौरुषेय माने जाते हैं, यानी इंसान ने नहीं लिखे, भगवान ने लिखे, ऐसा माने जाते हैं। तो होराशास्त्र का लेखक तो मालूम नहीं, लेकिन ये होराशास्त्र के जरिए पूरे एशिया में ये ज्योतिष शास्त्र फैला, भारत में फैला, चीन में फैला, बाकी एशिया में फैला। ये ज्योतिष शास्त्र का विकास क्यों हुआ? मैंने तो पूरे मानव जाति का इतिहास आपके सामने रखा है। जिन लोगों ने सुना नहीं है तो शाम मानव चैनल यूट्यूब पर जाकर वहां पर मानव जाति का इतिहास, विवाह संस्था का इतिहास, ये विस्तार से आप सुनिए, आपकी सभी बारीकियां ध्यान में आ जाएगी। अभी शॉर्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जब इंसान खेती करने लग गया, तब उसके जीवन में नेचर का महत्व बहुत बड़ा। पहले केवल सूरज के उगने का और डूबने का महत्व था, अब उसके साथ में पूरे नेचर का महत्व बढ़ा। बरसात कब आती है, धूप कब आती है, हीट कब ज्यादा होती है, ठंड कब होती है, क्योंकि उसने जो उगाना शुरू किया खेतों में, उसका उससे संबंध था। इसलिए उसको ऋतु चक्र समझना बहुत आवश्यक था। अब इंसान ने भाषा विकसित की थी, शायद वो लेखन के जरिए नहीं, लेकिन बोलने के जरिए, लोक कथाओं के जरिए अपने एक पीढ़ी का अनुभव दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा पाता था, और उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर दर पीढ़ी ये अनुभव जो शेयर करते आए हैं लोक कथाओं के जरिए, उसके आधार पर उसने नेचर के साइकिल को समझने की कोशिश की। ये नेचर के साइकिल को समझने की कोशिश में उसमें ग्रह गोल की स्थिति उसके लिए महत्व की बनते गई। उसका उसके साथ में रिलेशन है, ये उसके ध्यान में आता गया। सूरज की दिशा, सूरज की छाव, इसका भी इसके साथ में संबंध है, ये उसके ध्यान में आता गया, क्योंकि छाव ऋतु के अनुसार बदलते जाती है, उसकी दिशा थोड़ी बहुत बदलते जाती है, ये उसको पता चल गया। फिर वो बड़े बड़े प्रवास करने लग गया, रेगिस्तान में प्रवास करने लग गया, समुंदर में प्रवास करने लग गया। पृथ्वी पर प्रवास करना तो आसान है, वो ध्यान में रख सकता है कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ के बाद में दूसरी ये चीज आती है, उसके बाद में ये चीज आती है। समुंदर, अथाह समुंदर है, किनारा दिखता नहीं है, पानी पानी है, बीच में कुछ भी नहीं है, किस आधार पर ध्यान में रखेगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं? सूरज दिन भर चल रहता है, उसके आधार पर दिशा तय की जा सकती है। चांद की गारंटी नहीं है, समय असमय उगता है, कभी उगता ही नहीं है, रात के समय में वो दिशा कैसे तय करे। तो सूरज की मदद नहीं हो सकती है रात में, चांद गारंटेड नहीं है, इसलिए उसने बाकी ग्रह गोल तारों के आधार पर अपनी दिशा तय करने के लिए उसका अभ्यास किया। समुद्र के प्रवास में ये ग्रह गोल तारे जो आकाश में दिखते हैं उसके आधार पर वो अपनी दिशा तय कर पाता था। सेम रेगिस्तान में होता था, रेगिस्तान में स्थिति बदलते रहती है, कोई ऐसी स्थिति नहीं होती जिसके आधार पर आप दिशा तय कर सको। रेगिस्तान में रात में भी प्रवास करना पड़ता था, वहां भी दिशा तय करने के लिए ये इन तारों की बहुत मदद होती थी। इसलिए ये प्रवास के लिए तारों का अभ्यास एक महत्व का हिस्सा बना, उसको प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। धीरे धीरे अलग अलग राजा बनते गए, इन राजाओं के पास में ये गणितज्ञ रहने लग गए। पहले के जमाने में ये जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, ज्योतिषी थे, उन सबको गणितज्ञ कहा जाता था और ये गणित लगाकर राजा को भविष्य बताते थे। इतना ही नहीं तो राजा को युद्ध का समय कौन सा शुभ समय है ये भी बताते थे। अब बात ऐसी होती थी कि हर राजा के पास में ज्योतिषी है, बड़ा नामचीन ज्योतिषी है, बड़ा तज्ञ ज्योतिषी है। दोनों का युद्ध शुरू हुआ एक ही समय पर, युद्ध तो एक ही समय पर दोनों का शुरू होगा, और एक राजा जीतता है और दूसरा राजा पराजित होता है। तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि एक राजा क्यों पराजित हुआ, दूसरा राजा क्यों जीत गया? अगर शुभ समय है तो दोनों ने जीतना चाहिए था, अब दोनों कैसे जीतेंगे भाई, कोई ना कोई एक तो हारेगा। उसके आधार पर एक नई बात उसमें से उभर कर आई कि केवल उस समय का जब ये युद्ध हो रहा है उस समय का केवल आकाश की स्थिति, ग्रहगोलों की स्थिति महत्व की नहीं है, तो उसके साथ में जो प्रधान व्यक्ति है जिसने युद्ध छेड़ा है, ये राजा के जन्म समय में क्या ग्रहगोलों की स्थिति है वो भी महत्व की बात है, उसके आधार पर भविष्य तय होता है। नहीं तो एक मुहूर्त पर युद्ध हुआ तो दोनों शुभ है मुहूर्त है तो दोनों ने जीतना चाहिए, अब दोनों तो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए ये जन्म के समय के ग्रहगोल स्थिति को महत्व देना शुरू हुआ। राजा का भविष्य यानी पूरे देश का भविष्य माना जाने लगा या फिर पूरे राज्य का भविष्य माने जाने लगा, और इसके आधार पर यह जन्म पत्रिका का जन्म हुआ। जन्म पत्रिका के लिए क्या चाहिए? दो ही चीजें चाहिए, केवल जन्म समय और स्थान, क्योंकि स्थान के आधार पर ग्रह गोलों की स्थिति निश्चित क्या है यह पता चलता है। बस ये दो चीजें मिल गई कि उसके आधार पर पत्रिका तैयार करने की सिस्टम शुरू हो गई। अब हम सभी जानते हैं कि उसमें 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती है, यानी सवा दो नक्षत्रों की एक राशि। इस ढंग से पूरे गोल को हम 12 भागों में भाग लेते हैं, तो ये 12 राशियां हो गई। तो ये 12 राशियों के आधार पर हमारी कुंडली लगाई जाती है, इसके आधार पर ये एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई। ये एस्ट्रोलॉजी पूरे दुनिया में फैलते गई। कुछ लोग इस पर विश्वास रखते थे, कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं रखते थे। जिन धर्मों ने इस भविष्यवाणी को, एस्ट्रोलॉजी को महत्व दिया, वो उन लोगों के जीवन का धार्मिक हिस्सा बन गया। जिन धर्मों ने इस भविष्य को महत्व नहीं दिया वो उनके जीवन का धार्मिक हिस्सा नहीं बना, इसके बावजूद आमतौर पर सामाजिक जीवन में उसको महत्व प्राप्त होता रहा। यूरोप में हालांकि ज्योतिष शास्त्र ये उनके धार्मिक विषय का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एस्ट्रोलॉजी को महत्व प्राप्त हुआ। एस्ट्रोलॉजी बड़े पैमाने पर वहां पर विकसित होते गई, उसके आधार पर लोगों का भविष्य कहते गए। 16वीं शताब्दी में हम गैलीलियो का नाम जानते हैं, जिसने पहले दूरबीन ईजाद की, जिसने पहले ठोस गणित के आधार पर सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द यानी पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और पृथ्वी गोल है ये बात रखी। ठीक है, उसको बहुत तकलीफ दी गई पोप के द्वारा, चर्च के द्वारा, उसमें उसकी मृत्यु भी हो गई, उसको लिखकर भी देना पड़ा कि मैंने जो कहा है वो गलत है। हालांकि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है और उसके इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है। जब उसने ये लिख कर दिया तब वो अपने शिष्य से कह रहा था कि मैंने ऐसा लिख कर दिया है, लेकिन मेरा कोई पृथ्वी सुनने वाली नहीं है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमना कोई छोड़ने वाली नहीं है। ये भी बात उन्होंने तब कही थी। तो ये जो गैलीलियो था, तब तक सभी लोग, सभी के सभी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली लगाते थे, यानी कुंडली शास्त्र के आधार पर भविष्य बताते थे। हमारे यहाँ के आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी के शुरुआत में 5वीं शताब्दी के आखिरी में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। वे भी कुंडली लगाते थे, गैलीलियो भी कुंडली लगाते थे। आगे चलकर केपलर जैसे जो शास्त्रज्ञ आए, एस्ट्रोलॉजर, जिनको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं आजकल, ये भी कहते थे, कुंडली लगाते थे। तो ये कुंडली लगाना ये सभी एस्ट्रोलॉजर के जीवन का हिस्सा था उन दिनों में। उस जमाने में जब गैलीलियो ने ये बात सिद्ध नहीं की थी, या फिर गैलीलियो ने अपना ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं किया था, 10 साल तक उन्होंने अपना ग्रंथ छुपा कर रखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। उन दिनों की बात। गैलीलियो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पूरे यूरोप के यूनिवर्सिटीज में उन जैसा विद्वान कोई नहीं, ऐसा माना जाता था। और सभी की सभी यूनिवर्सिटीज चर्च के साथ में जुड़ी हुई थी। गैलीलियो के पास में ड्यूक फर्डिनांड की कुंडली आई। ड्यूक फर्डिनांड बीमार था। गैलीलियो ने कुंडली का अभ्यास किया। होरोस्कोप का अभ्यास करने के बाद में उन्होंने भविष्य कथन किया कि ड्यूक फर्डिनांड के जीवन को कोई धोखा नहीं है, वो दीर्घकाल जीने वाला है। अब गैलीलियो ने भविष्यवाणी की तो उसकी बहुत चर्चा हुई। पूरे यूरोप में चर्चा होती रही कि ड्यूक फर्डिनांड तो जिंदा रहने वाला है, मरने वाला नहीं है। और ये भविष्यवाणी करने के बाद 15 दिन में ही ड्यूक फर्डिनांड मर गया। जैसे ही ड्यूक फर्डिनांड की मृत्यु हुई, सबको शौक लगा कि गैलीलियो जैसा इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर, गणितज्ञ कहा जाता था उन दिनों में, गणितज्ञ एस्ट्रोलॉजर, ये दोनों शब्द उपयोग में लाए जाते थे, इसकी भविष्यवाणी कैसे गलत हुई। सभी यूनिवर्सिटीज में इसका बार बार अभ्यास होने लग गया। गैलीलियो कैसा गलत हुआ? गैलीलियो की कुंडली में कोई गलती नहीं है, उसने जो भविष्यवाणी की है उसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी एक्चुअली ड्यूक फर्डिनांड तो मर गए। तब से लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस विषय में जो बहस चलती थी, उसमें यह विचार सामने आने लग गया कि ग्रह गोलों की स्थिति, ये अभ्यास सही है, आवश्यक भी है, लेकिन उसके आधार पर जो भविष्यवाणी की जाती है शायद उसमें कोई तथ्य नहीं है। और इस विचार की शुरुआत हुई। 18वीं 19वीं शताब्दी तक ये विचार चलता रहा, बहस चलती रही। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करीबन सभी यूरोप के और सभी दुनिया के, मान लीजिए, यूनिवर्सिटीज में इस बारे में एक वाक्यता बने कि एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्य कथन करने वाली जो पद्धति है उसमें कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ग्रह गोलों की स्थिति का जो अभ्यास होता है बहुत महत्व का होता है, और इसलिए अलग अलग नामों का उपयोग करना शुरू हुआ। जो ग्रह गोलों की स्थिति का अभ्यास करते हैं, सूरज का अभ्यास करते हैं, चांद का अभ्यास करते हैं, उसको हमने एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र कहना शुरू किया। और जो केवल भविष्य कथन कहा जाता है उसको हमने एस्ट्रोलॉजी, भविष्य यानी जिसको फल ज्योतिष कर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा कहना शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी में यह नौबत आ गई थी कि दुनिया का कोई भी एस्ट्रोनॉमर भविष्य कथन नहीं कर सकता था। जो भी एस्ट्रोनॉमर अगर वो खगोल शास्त्री है और भविष्य कथन करता है तो उसको एस्ट्रोनॉमी के क्लब की फेलोशिप नहीं मिलती थी, इसका मतलब उसकी सदस्यता नहीं मिलती थी, उसको साइंटिस्ट नहीं माना जाता था। यहां तक ये बात तय हो गई और दुनिया में 2 विभाग बने, एस्ट्रोलॉजी इस विषय के, एक एस्ट्रोनॉमी जिसमें ग्रह गोलों का अभ्यास किया जाता है, सूरज कब उगता है, कब डूबता है, चांद कब उगता है, कब डूबता है, ग्रहण कब लगता है, एक्लिप्स कब होता है, सूरज का एक्लिप्स कब होता है, चांद का एक्लिप्स कब होता है। इतना ही नहीं तो ऋतुमान जो बदलते हैं, ये सभी विषय एस्ट्रोनॉमी के रहे। सूरज और पृथ्वी में कितना डिस्टेंस है, पृथ्वी और चांद में कितना डिस्टेंस है, उसका घूमने का तरीका कितना है, कितने दिनों में घूमता है, ये सभी विषय एस्ट्रोनॉमी के रहे। ये 100% परफेक्ट पहला साइंस बना। सभी विद्यापीठों में, साइंस के विद्यापीठों में एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स का हिस्सा कर कर सिखाई जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में एक स्वतंत्र विषय कर कर सिखाया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोफिजिक्स के नाम पर यह विषय सिखाया जाता है। लेकिन किसी भी विज्ञान के विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में विज्ञान का हिस्सा कर कर एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई जाती है। भारत उसके लिए अपवाद है। जब बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट आया, उसमें मुरली मनोहर जोशी मंत्री थे, शिक्षा डिपार्टमेंट के, केंद्र के। उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज में ये ज्योतिष की पढ़ाई शुरू करने का प्रयास किया। उसके लिए बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को डोनेशंस देने की तैयारी रखी यूजीसी की तरफ से। कई यूनिवर्सिटीज में ये अभ्यासक्रम शुरू हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के किसी भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में यह अभ्यासक्रम नहीं शुरू हुआ। महाराष्ट्र के किसी भी यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय नहीं लिया था, लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय लिया। तब नागपुर यूनिवर्सिटी और अमरावती यूनिवर्सिटी एक ही थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी नागपुर यूनिवर्सिटी। हमने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। टोटल नागपुर के 11 जिलों में, जिस एरिया में ये यूनिवर्सिटी आती है, उस एरिया में हमने करीबन 46 प्रोग्राम्स लिए। हर जिले में 2 दिन का परिसंवाद रखा। ये जो यूनिवर्सिटी में समर्थन करने वाले लोग थे, उन सबको हमने जाहिर तरीके से आह्वान दिया, निमंत्रित किया कि आप समर्थन कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू कर रहे हो, तो ये शास्त्र सिद्ध करने के लिए आई है। हमारे इस आंदोलन का परिणाम ऐसा हुआ, खुली छुट्टी, जैसे अश्वमेध का वो घोड़ा रहता है, उस ढंग से हम अश्वमेध का घोड़ा लेकर निकले थे। चलो आओ, कोई भी ज्योतिषी आओ सामने और सिद्ध कर कर बताओ कि ज्योतिष ये शास्त्र है। ना यूनिवर्सिटी के लोग आ पाए, ना कोई ज्योतिषी सामने टिक पाया। परिणाम ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया था, वो निर्णय उनको रद्द करना पड़ा और नागपुर यूनिवर्सिटी में ज्योतिष शास्त्र का कोर्स शुरू नहीं हुआ। लेकिन हमारे देश के कई प्रांतों में शुरू हुआ। हम तो कुछ भी शुरू कर सकते हैं। जिस देश की सरकार फ्रांस में जाकर वहां के सुरक्षा मंत्री राफेल जैसे आधुनिक विमान का स्वागत नींबू मिर्ची से कर सकते हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फल ज्योतिष ये शास्त्र नहीं है। शास्त्र यानी साइंस, वो साइंस नहीं है, उसको कोई भी आधार नहीं है, उस पर हमने विश्वास रखना नहीं है। अब मित्रों, इसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी तो कुंडलियां बनी होगी, घर जाकर अपनी कुंडली निकाल कर देखिए। करीबन हर एक की कुंडली आजकल बनती है। पहले हमारे देश में, हमारे समाज में 100-150 साल पहले तो केवल ब्राह्मण लोगों की कुंडलियां, होरोस्कोप बनाए जाते थे और अमीर लोगों के बनाए जाते थे। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ तो ये अंधविश्वास बढ़ते गया और जो लोग पहले अपने कभी होरोस्कोप नहीं बनाते थे, उन वो भी होरोस्कोप बनाने शुरू हो गए। अब मेरा भी होरोस्कोप है, मेरे सभी भाई बहनों का भी होरोस्कोप है। मेरे होरोस्कोप ने, ज्योतिष ने लिखा है कि मैं इंजीनियर बनूंगा और बचपन से मुझे, जब समझता भी नहीं था, तब से कहा जाने लग गया कि तुम इंजीनियर बनने वाले हो, तुम इंजीनियर बनने वाले हो, तुम इंजीनियर बनने वाले हो। मेरे आसपास में काफ़ी इंजन ड्राइवर्स रहते थे, वर्धा के रेलवे में काम करने वाले। एक बार मैं इंजन में जब बहुत छोटा था तब इंजन में गया था, तब कोयला डाला जाता था, बहुत हीट लगती थी। और जब भी मुझे कहा जाता था कि तू इंजीनियर बनने वाला है तो मैं समझता था मैं इंजन ड्राइवर बनने वाला हूँ, इसलिए मैं रोना शुरू कर देता था। यानी इतने बचपन से ये दिमाग में डाला जाता है, जो भविष्य कथन किया जाता है वो। तो ये हमारे कुंडली में क्या है, अगर आप खोल कर देखोगे तो 12 घर है, 12 राशियों के, उनमें 9 ग्रह है। मेरी कुंडली में 9 ग्रह है। उस जमाने में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रह डाले नहीं जाते थे। जो परंपरागत हमारे 9 ग्रह है, कौन से ग्रह है? आसान रखना बहुत ही आसान है। राहु केतु ये 2 ग्रह, और उसके साथ में हमारे जो वीक के 7 डेज है वो ग्रह, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर एक का ग्रह। सोम ग्रह यानी चंद्र ग्रह, रवि ग्रह यानी सूरज ग्रह, बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हो गए। यानी ये 7 ग्रह 7 दिन और राहु केतु नाम के 2 ग्रह हो गए, 9 ग्रह। ये हमारे परंपरागत ग्रह रहे। अभी आजकल ज्योतिषी अपने आप को पढ़े लिखे साबित करने के लिए यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये भी डाल देते हैं। उनके परिणामों के बारे में कोई एक वाक्यता नहीं है। वैसे बाकी ग्रहों को भी, बाकी ग्रहों के परिणामों के बारे में भी इनमें कोई एक वाक्यता नहीं है। इनके अलग अलग भविष्य कथन होते हैं, अलग अलग भविष्य परंपराएं होती है, एक से दूसरे के साथ जमता नहीं, दूसरे का पहले के साथ जमता नहीं है। अब मित्रों ये 7 के 7 ग्रह है, उसके बारे में हम सोचेंगे। राहु केतु नाम के कोई ग्रह होते हैं? मुझे लगता है हम में से हर एक ने स्कूल में सीखा है, ग्रह के नाम हम जानते हैं। राहु केतु नाम के ग्रह हमारे स्कूल में कभी सिखाए नहीं गए, क्योंकि वो अस्तित्व में नहीं है। फिर ये राहु केतु आपके और मेरे कुंडली में इतना हाय तोबा क्यों मचाते हैं? राहु काल है, बुरा काल है, बुरे परिणाम होने वाले हैं। तो ये राहु केतु नाम की क्या चीज? अगर आप भारतीय पुराण देखोगे, सुनोगे, बचपन से मैं सुनते आया हूं, आपने भी सुने होंगे, तो राहु केतु नाम के 2 राक्षस माने जाते हैं। ये राक्षस जब चांद को निगलने जाते हैं तो चांद को ग्रहण लगता है, सूरज को निगलने जाते हैं तो सूरज को ग्रहण लगता है। भारतीय पुराणों में 2 सांपों का भी वर्णन है राहु केतु नाम के। अब राक्षस भी है और सांप भी है, जो चांद को और सूरज को निगलते हैं इसलिए उनको ग्रहण लगता है। हमारा ज्ञान बढ़ते गया, ज्ञान बढ़ने के बाद में हमको पता चलने लग गया कि ग्रहण कैसे लगता है। अब हम सभी जानते हैं कि सूरज बीच में है, वो भी घूमते रहता है आकाशगंगा में, आकाशगंगा के साथ में, वो कोई स्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तुलना में स्थिर है। ये सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है और ये पृथ्वी के इर्द गिर्द चांद है। अब जब ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं, वैसे देखा जाए तो रोज ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही प्लेन में तीनों होते तो रोज ग्रहण होता, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं है, उनकी प्लेन्स डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन संयोगवश कुछ प्लेन्स पे उनकी घूमने की जो भी घूमने का तरीका है ऐसा कि बीच बीच में वो प्लेन्स में आ जाते हैं। जब एक प्लेन्स में आते हैं तो इधर सूरज है, इधर पृथ्वी है, बीच में चांद आ गया, तो नेचुरली क्या होगा कि सूरज का प्रकाश चांद को अड़ेगा, पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर छाव पड़ेगी, क्योंकि चांद छोटा है इसलिए पूरी की पूरी पृथ्वी कवर नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी के कुछ हिस्से पर छाव पड़ेगी। जहां छाव पड़ती है वहां के लोगों को लगता है कि सूरज को ग्रहण लगा। ग्रहण लगता है पृथ्वी को, छाव पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन हमको सूरज दिखता नहीं है इसलिए हम कहते हैं कि सूरज को ग्रहण लगा। अगर हमको बिल्कुल ही सूरज का केवल आखिरी का छोर दिखता है तो हम कहते हैं उसको खग्रास ग्रहण लगा, यानी पूरा का पूरा ग्रहण लग गया या फिर पार्शली लग गया है। इस ढंग से उसके बारे में हम सोचते हैं। जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, सूरज का प्रकाश चांद पर नहीं पड़ पाता है, इसलिए चांद में अंधेरा तैयार हो जाता है और इसलिए चांद को हम कहते हैं कि ग्रहण लग गया। ये बातें जब हमें पता चली तो ये सांप की कल्पना और राक्षस की कल्पना कायम रखना बड़ा मुश्किल हुआ। इसलिए फिर कहा गया कि राहु एंड केतु ये दोनों इनविजिबल प्लैनेट्स हैं, यानी न दिखने वाले ग्रह। अब न दिखने वाले ग्रह ये कोई नई कल्पना नहीं है, क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इसमें से दो ग्रह ऐसे हैं कि जो पहले गणित में मिले और बाद में एक्चुअली आकाश में दिखे, तो इनविजिबल प्लैनेट्स हो सकते हैं। लेकिन हमारा अभी 20वीं शताब्दी में इतना अभ्यास बढ़ गया कि इनविजिबल प्लैनेट्स नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, ये सिद्ध हो चुका है। फिर ज्योतिषी ने स्टैंड बदला, फिर वो कहने लग गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, यानी चांद और सूरज की कक्षा जहां एक दूसरे को छेद देती है, वो छेदन बिंदु को राहु केतु कहा जाता है। अब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी से चांद का डिस्टेंस जितना है उससे 385 गुना डिस्टेंस सूरज का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझो ये बिंदु है, ये बिंदु पकड़ता हूं अभी, ये जो बिंदु है ये बिंदु के इर्द गिर्द चांद घूम रहा है 1 इंच के डिस्टेंस पर से, और इसी पृथ्वी बिंदु के इर्द गिर्द सूरज घूम रहा है 385 इंच डिस्टेंस है। अब मुझे बताइए दोनों के सर्कल जो है एक दूसरे को कभी छेद दे पाएंगे? कभी भी ये छेद नहीं दे पाएंगे। जब हम कल्पना करेंगे कि सूरज से यानी पृथ्वी से सूरज और चांद का डिस्टेंस सेम है और दोनों अलग अलग सर्कल्स में घूम रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही डिस्टेंस पर है, तभी जाकर उनमें छेद हो सकता है, एक दूसरे को छेद दे सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो ये ज्योतिषी उसको छेदन बिंदु कहते हैं। यानी इसका मतलब इन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भाई चांद बहुत नजदीक है, उससे 385 गुना लंबे दूरी पर सूरज है, ये भी इनको पता नहीं है। इसलिए वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी नहीं हो सकते हैं, इनविजिबल प्लैनेट्स भी नहीं हो सकते हैं, राक्षस भी नहीं है और ना ही सांप है। फिर भी राहु केतु नाम के ग्रह आपके और मेरे कुंडली में बहुत हंगामा मचाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि उस पर ज्योतिषियों का पेट पलता है, इसलिए वो हमारा नुकसान करते रहते हैं। ये राहु केतु का डर बता बता कर वो अपना पेट पालते रहते हैं। ये बहुत बड़े ठग है, केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इस दुनिया के 186 साइंटिस्ट ने, पूरे दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, जिसमें 19 नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जिसमें मैक्सिमम साइंस के साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला 1975 के आसपास की ये बात है, और उसमें उन्होंने कहा कि ग्रह गोलों का मानवीय जीवन पर कोई भी परिणाम नहीं होता है। भविष्य पर विश्वास रखना ये गलत बात है, इसको कोई भी आधार नहीं है। और ज्योतिषियों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये चार्टन्स यानी ये ठग लोग हैं और इनसे आम आदमी ने सावधान रहना चाहिए। इसमें केवल भारत के एक व्यक्ति का नाम है सी चंद्रशेखर, जो हमारे नोबेल लॉरेट्स हैं, बाकी के सभी बाहर के साइंटिस्ट हैं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको साइन कर कर प्रसिद्ध किया, क्योंकि उनको चिंता होने लगी थी कि ये ज्योतिषी ठग लोगों को जिस ढंग से लूट रहे हैं, लोग भविष्य और अब नसीब पर विश्वास करना शुरू कर रहे हैं, इस कारण फिर विश्व का नुकसान होगा। तो मित्रों, ये राहु केतु नाम के तो सांप नहीं है, ना ही राक्षस है, ना ही इनविजिबल प्लैनेट्स है, ना ही ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, तो राहु केतु नाम के ग्रह है ही नहीं। फिर बचे 7 ग्रह। ये 7 ग्रहों में रवि यानी सूरज और सोम यानी चंद्र। अब सोम ये चंद्र ग्रह है क्या? ये तो उपग्रह है ना। ग्रह और उपग्रह केवल शब्द नहीं है। जो तारा स्वयं प्रकाशी होता है उसके इर्द गिर्द घूमता है उसको ग्रह कहते हैं, और ये स्वयं प्रकाशी न होने वाला जो ग्रह है उस ग्रह के इर्द गिर्द घूमता है, उसको उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। अब ये सैटेलाइट है। 1986 में धुला में अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद थी और 1985 में मैंने उनको आह्वान दिया था कि आपके अगले परिषद में देखिए मैं क्या करता हूं। और हमने पूरा 15 दिन धुलिया में थी अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद, उसमें जन जागरण किया और हमने ये सवाल खड़े किए हर स्कूल के बच्चों के सामने, हर कॉलेज के बच्चे के सामने, हर चौक चौक में सभा देकर हमने ये सवाल खड़े किए कि ये चांद भाई क्या है, ग्रह है कि उपग्रह है। मैं बच्चों को आह्वान करता था कि ये ज्योतिषी आएंगे, जिस दिन ज्योतिषी गांव में आएंगे वो बिल्ले लगाकर गांव में घूमेंगे क्योंकि 2-3 दिन की परिषद है, तब उनको पकड़ना और पूछना चाचा चाचा ज्योतिषी चाचा चाचा चांद सूरज है, चांद क्या है, ग्रह है कि उपग्रह है। अगर वे कहेंगे कि चांद ग्रह है तो उनको स्कूल में बुलाने का, सीखने के लिए। यह सवाल पत्रकारों ने खड़ा किया। ज्योतिष महामंडल का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब ज्योतिष महामंडल के बहुत ही जिम्मेदार पदाधिकारियों ने क्या जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे शास्त्र के अनुसार चांद ये ग्रह है। फिर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि किताबों में तो लिखा है, शिक्षा की किताबों में, एजुकेशन की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उसको उपग्रह है, तो आप सरकार के पास में खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, ऐसी झूठी बात बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर वो जरा उनकी बहुत हालत हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हम तय करेंगे मीटिंग लेकर चांद एक ग्रह है कि उपग्रह है। अभी भी चांद ग्रह ही है उनके लिए। अब जिन लोगों को उपग्रह और ग्रह में फर्क नहीं समझता उन लोगों के साथ में क्या बात हो सकती है। रवि, आप अपनी कुंडली खोलकर देखिए, उसमें आपको रवि नाम का ग्रह दिखेगा। रवि यानी सूरज, सूरज ग्रह है। अरे भाई, सूरज तारा है। ये जो बच्चों को मैंने सिखाया था, तो ये बच्चे गांव में आने वाले हर ज्योतिषी को पकड़ पकड़ कर सवाल पूछते थे कि सूरज क्या है, चांद क्या है, राहु केतु कहाँ है, और फिर कहते थे कि हमारे 5वीं क्लास में पढ़ने के लिए आइए, 6वीं क्लास में पढ़ने के लिए आइए, थोड़ा सा ज्ञान आपको होगा। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ कि ज्योतिषी अपने बिल्ले जेब में डालकर घूमना शुरू किए, पहचान में नहीं आना चाहिए कि हम ज्योतिषी है, ऐसा वातावरण खड़ा हो गया था। तो मित्रों, 7 ग्रहों में से चांद ये ग्रह नहीं है, सूरज ये ग्रह नहीं है, फिर बचे केवल 5 ग्रह, सोम से लेकर शनि तक। ये 5 ग्रहों का आपके और मेरे जीवन पर कोई परिणाम होता है क्या? कोई भी परिणाम नहीं होता है। परिणाम 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो रेस का परिणाम हो सकता है, किरणों का। ये 5 ग्रहों को ओरिजिनल अपनी किरणें नहीं है। जो भी किरणें आती है सूरज से रिफ्लेक्ट होकर आती है और पृथ्वी पर तो डायरेक्टली सूरज की किरणें आती है, और डायरेक्ट जो किरणें सूरज की आती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए रिफ्लेक्टेड किरणों के परिणामों की कोई गुंजाइश नहीं। फिर रहा इनके चुंबकीय, मैग्नेटिज्म का परिणाम। पृथ्वी के चुंबक की तुलना में, पृथ्वी के मैग्नेटिज्म की तुलना में ये ग्रहों का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उनका मैग्नेटिज्म का परिणाम निग्लिजिबल है। रहा फिर गुरुत्वाकर्षण का परिणाम, ग्रेविटी का परिणाम। गुरुत्वाकर्षण का परिणाम कितना होता है? सूरज के बाद में सबसे बड़ा अगर कोई है तो गुरु है। गुरु बहुत ही बड़ा ग्रह है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी से डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति पर उसके ग्रेविटी का कोई परिणाम नहीं होता है, निग्लिजिबल परिणाम होता है। जैन नारळीकर एक बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर है, बड़े साइंटिस्ट है क्षेत्र के। वे कहते हैं कुर्सी पर बैठना और उठना, इसमें जितनी हमको शक्ति लगती है उससे भी कम गुरुत्वाकर्षण का परिणाम, गुरु के गुरुत्वाकर्षण का परिणाम हम पर होता है, यानी वो भी परिणाम निग्लिजिबल होता है। तो ये 5 ग्रहों के हम पर कोई परिणाम नहीं होते, इसलिए ये भविष्य का आधार ही पूरी तरह से झूठ है। कुंडली में जो 9 ग्रह है उसमें से 4 ग्रह तो झूठे हैं, है ही नहीं। बचे हुए 5 ग्रहों का कोई परिणाम होता नहीं है, और ये कहते हैं हमारा शास्त्र है, और ये शास्त्र को विज्ञान का आधार है और उसके आधार पर आपका और मेरा भविष्य कहने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए आपने इस पर कोई भी विश्वास रखने लायक चीज इसमें नहीं है। ज्योतिषियों को ABCD तक समझता नहीं है, फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है, उस सवालों के जवाब देना आवश्यक है। जैसा आपने सवाल पूछा कि पूछ सकते हो, आप पहले भी पूछे हैं, सूर्य चंद्र का इंसान पर परिणाम होता है कि नहीं, और वो हमेशा का आर्गुमेंट होता है कि पानी पर परिणाम होता है कि नहीं, यानी टाइड एंड वेव आता है कि नहीं, यानी समुद्र को भरती ओहोटी जिसको कहते हैं, टाइड एंड वेव आता है कि नहीं, आता है, पानी पर परिणाम होता है कि नहीं, होता है। अगर पानी पर परिणाम होता है तो हर इंसान के शरीर में भी 90% पानी होता है। अब परसेंटेज छोड़ दीजिए, लेकिन शरीर में बहुत पानी होता है, ये बात सही है। तो फिर इस पानी पर सूरज का और चांद का परिणाम होगा कि नहीं, होगा, लेकिन उसके बारे में बहस कहां है। कौन एस्ट्रोनॉमर ऐसा कहता है कि उनके कोई परिणाम नहीं होते, होते हैं ना भाई। मई में अगर नागपुर में दोपहर में 1 बजे खड़े हो जाए 48 डिग्री में तो आदमी झुलस जाता है। अगर मुंबई का आदमी होगा, उसको आदत नहीं होगी तो वो मर भी जाएगा उस धूप में, यह भी संभव है। उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं ना, सूरज का परिणाम होता है, चांद का परिणाम होता है, हमारे हमको उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, उसके बारे में हमारी चर्चा भी नहीं है। आपका क्या कहना है कि इन्हीं ग्रहों का परिणाम हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है, उसके कुंडली के अनुसार होता है, उसके जन्म स्थान के अनुसार, उसके जन्ममय के अनुसार होता है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि नागपुर में दोपहर को, मई माह में दोपहर को 1 बजे अगर एक वृषभ राशि का आदमी खड़ा हो जाएगा तो उसको वो धूप शीतल शीतल महसूस होगी, वृश्चिक राशि का होगा तो उसको मध्यम मध्यम महसूस होगी, कन्या राशि का होगा तो उसको बहुत ही इतनी हॉट हॉट लगेगी। ये संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। हाँ, कोई नागपुर का आदमी होगा, उसको आदत होगी तो उसको उतनी तकलीफ होगी, मुंबई का आदमी होगा उसको बिल्कुल आदत नहीं है तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, और कोई हिमालय से आया है, हिमालय में ही रहता है हमेशा और नागपुर में आ गया है मई में और दोपहर को 1 बजे अगर धूप में खड़ा है तो उसको तो बिल्कुल सहन नहीं होगी, ये संभव है। यानी इंसान पर अलग अलग परिणाम होते हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन वो कुंडली के अनुसार, उसके जन्म तिथि के अनुसार, जन्म समय के अनुसार अलग अलग परिणाम होते हैं, इसके कोई भी आधार नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। दूसरी बात आप शायद जानते नहीं है कि सिरोस साइकिल के अनुसार हर 18 साल में सेम मुहूर्त रिपीट होता है। अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? क्योंकि वो विशिष्ट मुहूर्त पर पैदा हुए, इसलिए। ये जो विशिष्ट मुहूर्त है, ये विशिष्ट मुहूर्त पर अगर दूसरा व्यक्ति पैदा हो जाएगा तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये उसका मतलब है। अगर ये बात सच्ची है तो फिर अब इसका फायदा हमने उठाना चाहिए। हम क्या करेंगे कि उसी मुहूर्त पर बच्चों को पैदा करेंगे। अभी एक मोदी जी का मुहूर्त है, दूसरा फिर सक्सेसफुल जो भी मंत्री है निर्मला सीतारमण उनका मुहूर्त है, और तीसरा जैन नार्लिकर जी है इस देश के बड़े साइंटिस्ट, उनका एक मुहूर्त है। अब समझो किसी की पत्नी गर्भवती रही और ज्योतिषी ने गैनेकोलॉजिस्ट ने बता दिया कि अमुक माह में आपका जन्म होने की, यानी बच्चे का जन्म होने की संभावना है, 9 महीने इतने दिन उसके लिए पूरे हो रहे हैं, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? सबसे पहले 3-4-5 महीने पहले ही जाकर गायनेकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेगा, बोलेगा कि ये मोदी जी का मुहूर्त है, उस समय में मेरे बच्चे का जन्म होना चाहिए, तो आप ये मुहूर्त बुक कीजिए और उसी समय मेरे बच्चे को जन्म दीजिए ताकि वो देश का प्रधानमंत्री बने। निर्मला सीतारमण का मुहूर्त, कम से कम इतनी बड़ी मंत्री बने। फिर जैन नार्लिकर जी का मुहूर्त, तो कम से कम बड़े साइंटिस्ट बने। और हम ऐसे मुहूर्त बुक कर रखेंगे। हो सकता है कि मोदी जी का मुहूर्त मेरे जैसे आम इंसान को मिले ही ना, क्योंकि सबको अपना बेटा पंतप्रधान, बेटी पंतप्रधान बनना बनाना है, तो वो सब बुक हो गए। उसका रेट भी बहुत महंगा चल रहा होगा, 25 लाख, 50 लाख, सभी गैनेकोलॉजिस्ट बुक है। एट ए टाइम सब पंतप्रधान इस देश में पैदा हो रहे हैं, प्रधानमंत्री सब बनने वाले हैं, क्योंकि उस मुहूर्त में जितने बच्चे पैदा हो गए प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर बाकी अर्थमंत्री और सुरक्षा मंत्री बनेंगे, जितने बच्चे पैदा हो गए उतने। और जैन नारळी करके मुहूर्त में जो बच्चे पैदा हो गए वो सब के सब बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। क्या ये बात आपको विश्वसनीय लगती है? हास्यास्पद नहीं लगती है? ये अगर हास्यास्पद है तो ये ज्योतिष शास्त्र ही उतना ही हास्यास्पद है। जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर आपका भविष्य तय होता है। तो मित्रों, इसको कोई भी आधार नहीं। फिर ये ज्योतिष शास्त्र किस आधार पर खड़ा है? क्यों ज्योतिषियों के भविष्य सच साबित होते हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? इसकी बारीकियों में हम थोड़ा आगे जाएंगे। अभी 1.5 घंटा पूरा हो रहा है, ये सेशन मैं रोकता हूं। केवल इतना ही कहता हूं कि ज्योतिषियों के लिए जाहिर आह्वान है। आह्वान है कि हम 20 कुंडलियां आपको देंगे। कुंडलियों पर इंसानों के नाम नहीं होंगे, लेकिन कुंडलियां 100% सच होगी। आपको कुंडलियों की जेरोक्स दी जाएगी जिस पर उनके नाम नहीं होंगे, लेकिन कुंडलियां सच होगी। ज्योतिषियों ने ही बनाई हुई कुंडलियां होगी। वो कुंडलियां हम सुरक्षित रखेंगे और फाइनल समय में वो सबके सामने हाजिर भी करेंगे। ये कुंडलियों के आधार पर भविष्य बनाना है, बताना है, या फिर आप में आपको यानी जो ज्योतिषी आह्वान स्वीकारेंगे उन्होंने ये कुंडली का समय, जन्मस्थल और जन्म समय लेकर खुद की कुंडली बनाना, ये उनकी स्वतंत्रता है। उसके आधार पर केवल वे व्यक्ति जिंदा है या मृत है, ये आप 95% करेक्ट बताइए। 2 बार 20-20 कुंडलियों के आधार पर, और सीधा 25 लाख का प्राइज ले जाइए। कई लोग कहते हैं कि जिंदा है कि मृत है हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, जो बातें जांची जा सकती है कि जैसा एक्सीडेंट है, शिक्षा है यानी शिक्षण कितना हुआ है, मैरिज हुआ नहीं, बच्चे हैं नहीं है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है या बेकार है, ये चीजें जांची जा सकती है। बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के भी प्रकार, कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, इसके आधार पर मेजर एक्सीडेंट, मामूली एक्सीडेंट, 7-8 दिन 10 दिन रहना पड़ा, मामूली एक्सीडेंट, ऐसे कोई एक्सीडेंट का भविष्य आप बताइए। कितना एजुकेशन हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, मैट्रिक तक हुआ, मैरिज हुआ कि नहीं, बच्चे हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, बेकार है। तो ये भविष्य कथन करने के लिए अगर कोई तैयार है जिनको जांचा जा सकता है तो वो भी कहे। 20 कुंडलियां पहली बार, दूसरी बार 20 कुंडलियां दी जाएगी। अगर ये भविष्य कथन 90% भी करेक्ट रहता है तो स्ट्रेट वे उनको 25 लाख रुपए का प्राइस दिया जाएगा। अगर 25 लाख रुपए का प्राइस चाहिए तो आपको 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा है, पूरी तैयारी हम करते हैं, उसके लिए बहुत खर्चा करते हैं और ये ज्योतिषी भाग जाते हैं। इसलिए 2.5 लाख रुपए का डिपॉजिट होगा। उसमें आपको 2 चांसेस मिलेंगे। खर्चा सब हम करेंगे इसके आयोजन का, आपको कुंडलियां देंगे, उसके आधार पर अगर आप 2 बार 90% बाकी चीजों का कथन और जन्म मृत्यु यानी मृत्यु का कथन 95% करेक्ट कह पाए तो आपको 25 लाख रुपए का प्राइस भी मिलेगा और आपके 2.5 लाख रुपए भी आपको वापस दिए जाएंगे। जो भी खर्चा होगा फिर हमारा होगा, हम भुगतेंगे वो, जो भी उसके परिणाम होंगे। अगर वो पराभूत होते हैं तो ये 2.5 लाख रुपए जब्त किए जाएंगे। ये खर्च जो हुआ है वो हम मानेंगे, अगर उसमें से कुछ बचे भी तो वो समिति के पास में, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पास में जमा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमको 25 लाख रुपए के प्राइज में आपको रस नहीं है, फिर भी हमको 1 लाख रुपए कम से कम डिपॉजिट दिए बिना हम आह्वान स्वीकार नहीं सकते, क्योंकि हमारा आज तक का अनुभव रहा है, हम पूरी तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत बड़े खर्चे करने पड़ते हैं, बड़े एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है और ज्योतिषी भाग खड़े होते हैं अन वक्त पर और हमारा खर्चा बर्बाद हो जाता है। शुरुआत में हमने अपने आप को सिद्ध करने के लिए बार बार किया है। अभी हमने ये शर्त रखी है कि जो भी ज्योतिषी आह्वान स्वीकार करना चाहता है उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट रखने हैं। अगर वो भाग गया तो वो 1 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे, खर्चा हम करेंगे। आह्वान की सभी शर्तें पहले ही स्टैम्प पेपर पर लिखी रहेगी, इसलिए बाद में भागने के लिए कोई चांस नहीं रहेगा या फिर बदलने के लिए कोई चांस नहीं रहेगा। ये जो आह्वान है ये मेरी सभी किताबों में प्रसिद्ध हुआ है। 2002 से लिखित फॉर्म में आह्वान दे रहे हैं। 1985 में पहली बार ये आह्वान अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन को दिया था, तब वो 1 लाख का प्राइस था, 25 लाख का प्राइस है, शर्तें वही है। तो ये आह्वान ज्योतिषी स्वीकार सकते हैं। भगोड़े ज्योतिषियों ने इसका प्रयास नहीं करना है, जो बार बार भाग कर जाते हैं उन्होंने प्रयास नहीं करना है। जब 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट रखोगे, उसका नाम भी मैं बता देता हूं, हमारे यहाँ के माजी न्यायमूर्ति है बीजी कोलसे पाटिल और न्यायमूर्ति PB सावंत, उनके पास आप 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। आह्वान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, स्टैम्प पेपर पर लिखना शुरू हो जाएगा। तब तक आप भगोड़े हो, आपको आह्वान स्वीकारना नहीं है, केवल आपको जाहिरात करनी है, ऐसा हम मानते हैं। जब आपके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जब कानून लागू हो जाएगा, क्योंकि 420 के कलम में तो आते हैं ये लोग, तो तब हम देखेंगे। लेकिन आह्वान स्वीकारने के लिए शर्त है।